नमस्कार, मैं परितोष कुमार। हमने सबसे पहले जो YouTube वीडियो शूटिंग करना स्टार्ट किया था तो उसका बेस TPM ही था, लेकिन बीच में कुछ बॉब प्रॉक्टर्स के रूल आ गए थे जो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उसका भी वीडियो बनाया। बट पर्सनली वी कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जो कि TPM का दूसरा पिलर है। हमने फाउंडेशन 5S बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, अभी सब लोगों को मालूम हो गया है। उसके बाद हमने काइजन की और आज हम दूसरे पिलर ऑटोनोमस मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस में मेनली यह है कि हर मशीन का हर इक्विपमेंट का एक ऑनर हो और उस ऑनर के में ये बात की हमें इनपुट देनी है कि आपको अपने मशीन को इस तरह से मेंटेन रखना है कि वो या तो नया की तरह ही कंटिन्यूअस चलने की क्षमता रखता हो, और दूसरा जो उसमें माइनर मेंटेनेंस है वो आप खुद से करें। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस के दो कोर प्रिंसिपल हैं। पहला कि ये कि मशीन जब आप खरीदते हैं तो नया से वो जब खराब होता है, डिटोरिएशन होता है उसमें, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस पे। और दूसरी बात है कि वो एक न्यू लाइक स्टेटस, मशीन जो है ना इस तरह से क्लीन इंस्पेक्टेड लुब्रिकेटेड हो कि वो बिल्कुल लगे कि हाँ ये क्लीन है। तो क्लीन स्टेटस को हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम तक मेंटेन करना है। अब अगर हम बात करें कि AM टर्मिनोलॉजी की, ऑटोनोमस मेंटेनेंस में चार तरह के टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। पहला है क्लीनिंग, दूसरा इंस्पेक्शन, तीसरा लुब्रिकेशन, चौथा टाइटनिंग। टाइटनिंग को कोई रीटाइटनिंग भी कहते हैं, बट टाइटनिंग रीटाइटनिंग व्हाट एवर यू लाइक। So, अब TPM में ऑटोनोमस मेंटेनेंस में टोटल 8 स्टेप होते हैं, ऐसे 7 होते हैं लेकिन हम 0 रखते हैं। 0 एक स्टेप है कि 5S। 5S जो है ना वो हमें कंटिन्यूअसली मेंटेन रखना है क्योंकि वो फाउंडेशन है। अगर आपने 5S मेंटेन नहीं रखा है तो फिर ये ऑटोनोमस मेंटेनेंस या TPM का कोई भी पिलर खड़ा नहीं हो सकता। तो पहला जो इनिशियल क्लीनिंग है, इनिशियल क्लीनिंग में हमें 5 चीज की खोज करनी है। वो खोज क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि हार्ड टू क्लीन, हार्ड टू ल्यूब्रिकेट, हार्ड टू इंस्पेक्ट, हार्ड टू एडजस्ट एंड हार्ड टू टाइटन। जो हमने चार हमने रखा है कि क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, ल्यूब्रिकेशन, टाइटनिंग, सो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा तकलीफ है। लाइकली हार्ड टू क्लीन, हार्ड टू इंस्पेक्ट, हार्ड टू ल्यूब्रिकेट, हार्ड टू टाइटन। पांचवा उन्होंने जोड़ा है कि हार्ड टू एडजस्ट, कि अगर हमें पता भी चल जाए कि ये लूज है तो उसको हम एडजस्ट कैसे करें। सो अब इन चार पांच चीज जो आपने खोज किया है तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस के दूसरे स्टेप में हमें इसको काउंटर मेजर मतलब इसका उपाय ढूंढना है कि कैसे हम इन हार्ड को इजी बनाए, मतलब कैसे हम इजी टू क्लीन, इजी टू लुब्रिकेट, इजी टू इंस्पेक्ट, इजी टू टाइटनिंग एंड इजी टू एडजस्ट ये बनाए। इसके बनाने के बाद तीसरा स्टेप है कि प्रिपेयर टेंटेटिव क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन प्रोसीजर विथ एक शेड्यूल, कि एक शेड्यूल में हम इसको बनाएं जो कि टेंटेटिव हो, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम सप्लायर, और कुछ तो कुछ हमारे अपने अनुभव और कुछ रिकमेंडेशन सप्लायर से इस पे हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाए। शेड्यूल बनाने के बाद हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं, कैसे हमारी जो टेक्निकल स्किल है हमारे ऑपरेटर की, उनकी टेक्निकल इम्प्रूव कैसे हो सकता है। इसलिए हमें कंटिन्यूअस उसको इंस्पेक्ट करना है, और जो शेड्यूल बनाना है उसका हमें आउटकम चाहिए। आउटकम ऐसे कि हम रिकॉर्ड करें कि हमने किस तारीख को लुब्रिकेट किया, और फिर अगला शेड्यूल के दिन हम इंस्पेक्ट करने के बाद जब लुब्रिकेट किया या टाइट किया तो दोनों में क्या डिफरेंस था, और ये डिफरेंस क्या जो मशीन के रिकमेंडेशन है मशीन सप्लायर की तरफ से वैसा ही है या कुछ ज्यादा या कम है। तो इसमें डाटा रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी है। अब पांचवें स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने डिफाइन किया था उसको उस डिफिनेटिव पे जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है उससे हम उसको फिक्स करते हैं कि हाँ यार ये है, और फिक्स करने के बाद फिर से उसको एक फॉलो अप करते हैं कि हाँ जो हमने स्टैंडर्ड बनाया वो बिल्कुल सही है मशीन को नए जैसा मेंटेन रखने के लिए या डिटोरिएशन से सेव करने के लिए। जब वो इंस्पेक्शन हो जाए
उसके बाद उस प्रोसीजर को, वर्क प्लेस को हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि ये हमारे इस कंपनी का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बनने के बाद जो सबसे सातवां स्टेप है वो है कि रोल आउट, कि सभी डिपार्टमेंट में सभी जगहों पे जहां जहां हमने किया उसको आप रोल आउट करके ये बता दें कि ये फिक्स हो गया है, ये हमने इंस्पेक्ट करके, ये हमने चेक करके डाटा के आधार पे ये स्टैंडर्ड हमने बनाई है, अब इसको हर हाल में फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद ये हमें सुनिश्चित करना है कि हमारी मशीन जो है ना वो बिल्कुल नए की तरह है, उसमें डिटेरियरेशन बहुत ही कम हो रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।